भाई लिटरली खुशी का आसार है। तो भाई ट्रक वाले भैया ने ना जाते जाते टॉफी पकड़ा दी यार। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो, सॉरी, हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक और नई सुबह हो चुकी है और हम हैं इस वक्त, कहाँ पे हैं हम, नाम भूल गया मैं, सरचू में हैं हम। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा सनराइज आई गेस उधर से होगा। सुबह सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अपनी आज की डेस्टिनेशन की तरफ। आज हमारे सामने ना दो चैलेंजेस हैं, एक गाटा लूप्स, 21 गाटा लूप्स करके एक ट्रेल है रोड की, जो लूप्स हैं बेसिकली। अब क्या है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, वो जाके पता चलेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। और दूसरा है नकीला पास, ठीक है, तो ये अपने को क्रॉस करना है और उसके आगे जाना है पांग। पांग का कोशिश करूँगा मैं, हालांकि आज मेरे घुटने में थोड़ा सा दर्द है। अगर आप लोग आओ ना तो यार कम से कम महीना भर प्रैक्टिस करना, घर के आसपास 10-20 किलोमीटर महीना भर चलाना, तभी इतना लंबा रूट साइकिलिंग करने की सोचना, क्योंकि आपकी बॉडी को तैयार होने की ज़रूरत होती है, वो प्रैक्टिस से ही हो पाती है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी इसलिए मेरे को घुटनों में लिगामेंट्स में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे को बहुत आराम आराम से चलना पड़ेगा। रोज़ मैं मसाज कर रहा हूँ और फिलहाल खैर ऑप्शन तो है नहीं, अपने को जाना ही है ना, तो अपन चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ नहीं है, है ना। ये बेसिकली बियाबान है, जानवर वगैरह भी होते हैं, तो यहाँ पे चलते रहना ठीक है। यार आज ना मेरे मसल्स की रिकवरी नहीं हुई है, पिछले 2 दिन में जो मैंने मेहनत करी है, चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, बहुत चढ़ाई, एलिवेशन आप समझो 3-4 हज़ार फीट का एलिवेशन गेन किया है, मतलब चढ़ाई की है 3-4 हज़ार फुट। वो जो मसल में जो मसल टूटती है ना वो वापस जुड़ी नहीं है अभी, और उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई है, तो आज मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। पता नहीं मैं बार बार अपने आप से बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मसल को जब मसल स्ट्रांग होगी तभी मैं ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगा। खैर आराम आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लगेज जो है ना, बस मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरा लगेज मेरे से ज़्यादा आगे ना पहुँचे, क्योंकि फिर मिसमैच हो जाएगा। खैर उसकी भी इतनी टेंशन नहीं है यार, टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके चलने का। और वो मैंने ना बिजली को उधर खड़ा कर दिया है, रास्ता बहुत प्यारा है यार, ये बिल्कुल लैंडस्केप बदल चुका है, आप देख ही सकते हो, है ना। वो सूरज निकल रहा है, अभी 7 ही बजे होंगे, सुबह 5:30 बजे यहाँ पे सूरज निकल गया था, और पूरा ऊपर आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलो चले नील गगन को। गाइस मज़ा आ रहा है क्या? आ रहा है तो कमेंट्स में बोलो। यार ये जो आप पीली वाली पट्टी देख रहे हो ना, ये रोड पुरानी है, मतलब ये पहले बनी है, अभी जो रोड बनी है ना उसमें अभी पट्टियाँ नहीं डाली हैं इन लोगों ने, और वो रोड चौड़ी है। जो पुरानी वाली रोड है तो वो भी अच्छी, लेकिन ना वो चौड़ी नहीं है और कहीं ना कहीं लेवल नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, मतलब समझ रहे हो, ड्राइविंग करना तो फिर भी आसान है, लेकिन साइकिलिंग करना ना पुरानी रोड पे थोड़ा सा मुश्किल है। नई वाली रोड उन्होंने ऐसे लेवल पे बनाई है कि बैलेंस हो जाता है अप और डाउन में ना। मैंने ये नोटिस किया पुरानी वाली रोड जो है पीछे भी है टूटी हुई, वो भी काफ़ी ऊपर ऊपर है, मतलब अप हिल ज़्यादा है उसमें। तो भाई लैंडस्केप कैसा आ गया है देख रहे हो, ये फॉर्मेशंस, विस्की
यार एक आगे ना विस्की नाला है, लेकिन वो काफी आगे है। यहाँ रोड बन रही है, बहुत खराब है रोड। वो गाइस देखो हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ हैं हम, ऐसी जगह पे यार बिल्कुल अकेले होने का फील ही कुछ और है भाई। ये विल्डरनेस है, कुछ साल पहले तक यहाँ लोग शायद आ भी नहीं पाते होंगे इतनी आसानी से, अनटच्ड इन अ वे। कोई उस पहाड़ की चोटी पे नहीं गया होगा, इन पहाड़ों की कोई ऊपर नहीं चढ़ा होगा शायद, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। बहुत सारी यहाँ पे अनगिनत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पहले किसी ने कदम नहीं रखा है, और मैं पहला आदमी हो सकता हूँ कि वहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं पहले, मतलब समझ रहे हो ना। एनीवेयर यहाँ पे जो भी देख रहे हो नीचे, हो सकता है किसी ने, किसी इंसान ने कभी कदम ना रखा हो, समझ रहे हो ना। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ से ना गाटा लूप शुरू हो रहे हैं, ये जो रोड है इनको, इसको गाटा लूप्स कहते हैं, लूप्स होते हैं ठीक है, 21 यही है गाटा लूप्स, और इसकी अल्टीट्यूड है 13,780 फुट। कल हमने ना 12 लाचा जब किया होगा तो हम इससे ज़्यादा हाइट पे थे, फिर जब हम 32 किलोमीटर डाउन हिल आए ना सबमिट के बाद, तो फिर हम वापस नीचे आ गए और हम अब दोबारा से ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब एक पहाड़ क्रॉस करके समझ रहे हो, फिर अब दूसरा पहाड़ चढ़ रहे हैं, एक और समिट आएगी, समिट एज इन टॉप ठीक है, टॉप मतलब ला, जैसे रोहतांग ला, बारा लाचा ला, तांगलांग ला ठीक है, तो आई गेस बुद्धिस्ट या तिब्बतन भाषा में इसको ला बोलते हैं टॉप्स को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और गाटा लूप्स की तरफ प्रस्थान करते हैं। है कुछ खास नहीं, बस ऐसे 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 जा रही है रोड, वो ट्रक खड़ा है, समझ रहे हो ना, मतलब इस पहाड़ की चोटी में बहुत जल्दी जल्दी एलिवेशन है, 21 लूप्स हैं और वो सीधा इस पहाड़ के ऊपर पहुंचा देंगे, बस यही है और यही असली चैलेंज है। मेरे घुटने में चोट है, चोट नहीं है मतलब स्ट्रेन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट आराम आराम से चलूँगा। आई कैन डू इट, वी कैन डू इट गाइस। करेंगे, आज ये फर्स्ट चैलेंज है दिन का, हाँ पर मेरे को बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है, मेरे को आसान लग रहा है, बिकॉज मैंने इससे मुश्किल चढ़ाई चढ़ी है। पीछे का रास्ता यार बहुत मुश्किल था, ये तो फिर भी इजी है, दिस इज नथिंग ब्रो। या गाइस हम उधर नीचे से आए हैं, तो सबसे नीचे वाली रोड आपको दिख रही है ना, वहाँ से लूप स्टार्ट है, और अभी हमने 1, 2, 3 मतलब ये तीसरा मान लो ये वाला, तो हमने अभी तक 3 लूप्स कवर किए हैं, 18 और करने अपने को ठीक है ना, ट्रक तक हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। भाई हमारे गियर ना सेट नहीं होते हैं, तो मेरे को ही दबा के रखना पड़ रहा है, हाँ पर कोई नहीं, अब तो आदत हो गई है, देख रहे हो मेरा हाथ गियर पे ही सेट है। तो भाई वो सब कवर करके आए हम लोग, देख रहे हो, और बहुत कुछ कवर करना है जैसे हमेशा ही करना होता है ना। तो भाई मज़ा आ गया, लेकिन मुश्किल नहीं हुई मेरे को, इट वॉज ईजी एक्चुअली, काफ़ी ईजी था। जब हमने गाटा लूप शुरू किए थे ना, तो 51 किलोमीटर्स था पांग, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है कि यहाँ तक तो पहुँचना ही है ना। अब 46 बचा है, हमने डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं किया, लेकिन एलिवेशन बहुत गेन कर लिया है, देख सकते हो। वो नीचे से शुरू किया था हमने, बिल्कुल ना डाउन ऑफ दिस माउंटेन, जहाँ पे नदी बह रही है, और हम पहुँच चुके हैं
ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स इसी लेवल पे हैं। थोड़ा पानी मिलेगा? पानी, हाँ पूरा पानी को रखा। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? लद्दाख। कितना कितना डेज टू रीच? पता नहीं, पाँच छः दिन। पाँच छः दिन, ओके ப்ரோ. இங்கிருந்து அதுக்கப்புறம் மேலே போனால் தெரியாது ப்ரோ. இல்லை தெரியும் ப்ரோ, நான் சொல்கிறேன். 222 ஒரு கிலோமீட்டர் வரும் அங்கே. 222 லேனு அங்கே சூப்பராக தெரியும் வியூ. நான் வீடியோ பார்த்துருக்கேன், அதனால தான் கொஞ்சம் போடுங்க. இந்த ரோடு தான் இல்லை வேறு ரோடு? Where did you guys start from? Chennai. Bro, Tamil Nadu. तो भाई देखो, ये गोस्ट टेम्पल ऑफ काटालूप्स, ठीक है? कहानी मेरे को नहीं पता थी, भाई लोगों ने बताई है। आप लोग हिमाचल से ही हो? तो भाई लोगों ने कहानी ये बताई है कि यहाँ पे एक बंदे की डेथ हुई थी और उसको पानी चाहिए था। प्यास तो देखो बहुत लग रही है, इतना मैं भी ऊपर आया, मेरा भी पानी ख़त्म है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो फिलहाल हम थोड़ा सा पानी चढ़ा देंगे। बॉटल नहीं रखूँगा मैं यहाँ पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट पानी ज़रूर चढ़ाऊँगा। पानी चढ़ा दिया हमने, भगवान आत्मा को शांति दे। तो ऐसा मानना है ना, लोग बॉटलें यहाँ पे इसलिए छोड़ते हैं पानी के साथ, कोक की बॉटल, ड्यू की बॉटल, चाय वगैरह, बीड़ी वगैरह सब कुछ, ताकि जो चीज़ वो बंदा क्रेव कर रहा था अपने आखिरी मोमेंट्स में, वो उसको मिले। आई गेस ये आर्मी की टुकड़ी जा रही है, सल्यूट करके गए भाई, मैंने भी सल्यूट कर दिया। यार सही बताऊँ लोगों ने ना पहाड़ों पे भी पैदल के रास्ते बना रखे हैं, छोटे छोटे ट्रैकिंग बना रखे, पतले पतले, बिल्कुल कोने कोने से निकलते हुए रास्ते, या अंदर ही अंदर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ देते हैं। कोई पैदल या ट्रैक पे जाता है ना, जैसे लोकल वगैरह जाते होंगे, तो मुझे लगता है इन रास्तों से कट के चले जाते हैं, ठीक है? और यार पता नहीं, रेनबो बन रहा है बहुत ही बढ़िया। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, एक रेनबो ये रहा सन हेलो, और एक ना आउटर भी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे चश्मा लगा के देखो आप लोग, लो देखो, ठीक है? एक ये ऊपर बन रहा है और एक आउटर भी है। तो भाई अभी तक हमने काफ़ी लूप्स कवर कर लिए हैं, तो नहीं 15 तो कर ही लिए होंगे, और 5-6 और बच रहे हैं, है ना, 21 तक। तो ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैं गिन सकता हूँ, ख़त्म ही हो जाएंगे फटाफट। और बढ़िया, अच्छा था अभी तक का एक्सपीरियंस, थकान ज़्यादा नहीं हुई है, बस एक स्टिंग और मिल जाए। बॉटल ख़त्म हो गई मेरी, एक स्टिंग और ले लूँगा आगे चल के। आज का टारगेट अपन, आखिरकार गाटा लूप हमने एंड कर लिया है। गाटा लूप एंड जेर, 15,302 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गए। आप खुद ही लगा लो कितना एलिवेशन हमने गेन किया है। 13,000 कुछ से शुरू किया था शायद, ये 14,000 कुछ से किया था समथिंग, जब हम गाटा लूप में नीचे थे। और ये पूरा लूप हमने कवर किया। ये खिचड़ी जलेबी सब बना के ऊपर आ गए हैं। भगवान का नाम लिया था, भगवान ने शक्ति दी है, एंड वी आर हियर। अभी भी लेकिन आधे से ज़्यादा रास्ता बचा है, और करेंगे, पूरा करेंगे। देखो भाई ट्रक्स भी बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग करना भी खतरों से खाली नहीं है, समझ रहे हो? ये ट्रक वाले लोग रिस्क लेते हैं, तभी हमारे पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आ पाती है।
समझ रहे हो ना, दुकानों में आपकी जो एक एक छोटी छोटी चीज़ मिलती है, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी इन ट्रकों के वजह से ही आती हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ओ बर्फीली चोटियों की हाइट पे हम और उनसे भी ऊपर जा रहे हैं। ओह ये देखो छोटे छोटे ट्रक्स, छोटे छोटे, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया आपने गाइस, बने रहो। तो भाई लूप्स ख़त्म हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि चढ़ाई ख़त्म हो गई, ठीक है। अभी आप मानो 10-15 किलोमीटर चढ़ाई और चढ़नी है, तब जाके कुछ सांस लेंगे हम। चलो आज सोच के ही निकले थे पांग तो पहुँचेंगे, है ना। बहुत अभी आज काफ़ी जल्दी जल्दी कवर कर लिया है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे। बस बीच में कुछ खाने पीने को अगर मिल जाए तो देख लेंगे, 15 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। तो भाई ट्रक वाले भैया ने ना जाते जाते टॉफ़ी पकड़ा दी यार, ये कैसा प्यार है। ओहो मेरे चेहरे की हंसी देखो, उल्टा करके दिखा रहा हूँ लेकिन ये हंसी देखना बनता था, इतनी खुशी हुई यार, टॉफी पकड़ा दी भाई। काफ़ी कवर कर लिया है, अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या नज़ारा है ये देखो, क्या फॉर्मेशन है, रॉक फॉर्मेशन कितनी बढ़िया है, सामने छेद, इसके बीच में से ड्रोन ले जाता गाइस फटाफट यार, 100 के कराओ, ऐसे रिस्क ले लिया करूँगा मैं, 100 के सब्सक्राइबर्स। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया हुआ है, गाटा लूप्स के ऊपर यही आता है, फिर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ का, इस पहाड़ी का। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट और ये है व्यू। ओहो हो, और आगे चल के दिखा दूँ, टेंशन मत लो यार, सब दिखाऊंगा। ये देखो, ओहो हो, वाह 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 वाह, और ये ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से, बिजली बहुत ही बढ़िया। टॉप पे पहुँच के एक सेल्फी लेना तो बनता है, तो ये हमने सेल्फी ले ली, खिचिक। हर एक किलोमीटर यहाँ पे अचीवमेंट लगता है, पता है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सुबह जो मेरी हालत थोड़ी डाउन थी ना, वो अभी सेट हो चुकी है, पता नहीं बस हो गई है ना, इट इज़ अ गुड थिंग। चलो, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, कोई नहीं है दूर दूर तक। चलो, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है इतनी शांति देख के यहाँ पे, क्योंकि इतनी टॉप पे अकेला मैं हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी निकलेंगे, एक आध गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा। ये देखो यार ट्रक एक पलटा हुआ है, काफ़ी हाइट पे पलटा हुआ है ये, वाओ। पलटने के बाद जल वल भी गया है, ये सब काला पड़ा हुआ है ना, फ्रूट्स थे, बैग पूरा खोलना पड़ा फिर निकले, बॉडी में ना एनर्जी नहीं रह गई थी, तो कुछ खाने को चाहिए था, एंड बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर नाउ। मुझे लगता है इससे मैं काफ़ी थे, और इतने आप ये मत सोचना इतने सही थे, और भी था, कम से कम 20-30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स थे, तो मैंने खा लिए, अब मैं इसको पार कर सकता हूँ। फिर आगे ना विस्की नाला आएगा, विस्की नाला में खाना मिल जाएगा अपने को, एनर्जी चाहिए यार बॉडी को, लिटरली खुशी के आंसू आ रहे हैं। पहुंच गए ऊपर, ये सामने शायद नकीला टॉप है, आज से निकल आए। ओह फक यार,
मुझे लग नहीं रहा था हो पाएगा, बीच में मन किया, हेल्प ले लूं पिकअप के, लेकिन करा डिड इट। खुशी बहुत होती है भाई, डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो सामने जाने अपने को। आगे मिलता हूँ। प्रेजेंट टू यू नकीला टॉप। ओह माय गॉड। तो भाई ये नकीला टॉप 15,547 अभी तक इस ट्रिप का हाईएस्ट, है। उधर से हम आए थे और उधर हमें जाना है। थोड़ी सी चढ़ान और आएगी अपहिल, पर अभी तो काफ़ी हद तक हम डाउनहिल जाने वाले हैं। आज का आई गेस टफेस्ट पार्ट हमने पार कर लिया है। अभी तक की जर्नी का भी कहीं ना कहीं ये ना टेस्टिंग मोमेंट था। मेरे को लगा नहीं अब मैं पिकअप ले लूँगा टॉप तक के लिए, बट मैंने नहीं लिया। थैंक यू सो मच इस पहाड़ को, थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु हैज सपोर्टेड मी किसी भी तरीके से अभी पहले सालों पहले। ओके बाय, आगे जाना है, मतलब अभी वीडियो देखते रहो। बहुत ही उमदा प्रदर्शन, लेट्स गो। तो भाई ये चीज़ थी जो ऊपर चाहिए थी अपने को, और वो तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे तो खींच पाए, अगर वो नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि ना एनर्जी बिल्कुल गायब हो चुकी थी, पैर काम ही नहीं कर रहे थे। वो ड्राई फ्रूट्स खाए, थोड़ी हिम्मत लगी, फिर ऊपर चढ़ पाए। साइकिल की हालत भी थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, अब ले में ही सर्विस होगी सीधा। फ़िलहाल तो ये खाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ और अपडेट देता हूँ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, खा पी लिया है, बिस्किट स्टिंग वगैरह सब ले लिया है, ठीक है। लेकिन ना दिक्कत कुछ ऐसी है कि मेमोरी भी कम है और बैटरी भी कम है गोप्रो की। तो अब मैं आपको सीधा ऊपर मिलूँगा ला चुंगला टॉप पे। एक टॉप ही किया है हमने अभी नकीला, एक और बचा है भाई, आज तो ख़त्म खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं, बैटरी और मेमोरी बचाते हैं। तो भाई कैमरा की और मेरी दोनों की बैटरी डाउन हो चुकी है। वो ऊपर जाना है, लेकिन ना 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन मैं बिल्कुल आउट हो चुका हूँ। तो मुझे लग रहा है मेरे को लिफ्ट लेनी पड़ेगी। आज के लिए बहुत हो गया, मैं चाहता तो नीचे रुक सकता था यार, लेकिन ना मेरा टारगेट है ले जल्दी से जल्दी पहुंचने का, क्योंकि ब्लॉग्स बंद हैं, नो नेटवर्क। मे बी मैं ला चुंगला, दो टॉप अभी तक मैं कर चुका हूँ, लेकिन ला चुंगला मैं शायद वापसी में करूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो अगर 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 मैं अभी लिफ्ट लेता हूँ तो
तो ला चुंगला बाद के लिए बच जाएगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूँ। और हम देखते हैं क्या होता है, हो सकता है चढ़ जाऊँ, हो सकता है ना चढ़ पाऊँ, जो भी रहेगा आपको बताता हूँ ब्लॉग में। आखिरी 2 किलोमीटर ला चुंगला, अभी भी पुश कर रहा हूँ, लिफ्ट नहीं लिया मैंने, अभी मेरे पास टाइम है, 5 बजने में भी टाइम है, तो मैं 6:30 बजे तक क्लाइंब कर सकता हूँ जितना कर पाऊँगा, लेकिन करूँगा। 1 और किलोमीटर, 1 किलोमीटर और। तो भाई ये ना मैंने फ़ोन से क्लिप रिकॉर्ड करी है, मैं ना वहाँ पे था जब मुझे लग रहा था नीचे वाली रोड पे, तो मुझे लग रहा था शायद ना हो पाए, लेकिन अब मैं टॉप पे आ गया हूँ। फ़ोन से इसलिए शूट कर रहा हूँ ना, गोप्रो की बैटरी बची है 4% और मेमोरी बची है 1.5 मिनट, तो मैं उसको बात के लिए बचा रहा हूँ टॉप के लिए, ये पार करते ही टॉप आ जाएगा। मुश्किल से 500-600 मीटर बचा है, बात के लिए नहीं छोड़ा है हमने, हेल्प नहीं ली। अच्छा है, बस मेरे को ना मेरी सारे बैटरी बैकअप सारे हो चुके हैं ख़त्म, लास्ट मैंने दारचा में चार्ज कर पाया था मैं, उसके बाद चार्ज नहीं कर पाया, अब मैं पांग में देखूंगा चार्ज करने का। चलो ला चांगला भी दिखा लेता हूँ आपको ना, एक दिन में 2 टॉप। तो भाई ला चुंगला 1% बैटरी में 16,616 फीट कवर कर लिया है। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया पांग तक का रास्ता है डाउनहिल, लेकिन है बहुत बहुत बुरा, तो मैं अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल लूँगा। अभी 5:30 बज रहे हैं, टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी जल्दी करना है। भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए यार ऊपर आके, मज़ा आ गया। ओम नमः शिवाय, नम्यहो रंगे क्यों भी टेडेट, बहुत मज़ा आया। ये हाईएस्ट है अभी तक का मेरा, 16,616 फीट। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, मेरे को ऑलरेडी 1 किलोमीटर पीछे से दिक्कत हो रही थी और अकेला हूँ यार। ऐसा कुछ नज़ारा है सामने का और बहुत ही एक्सट्रीम लैंडस्केप आ चुका है। ये जो आप राइट साइड में छोटा सा पास देख रहे होगे, यहाँ से मुझे गुजरना है। एक्चुअली गोप्रो पूरा डाउन हो चुका है, एसडी कार्ड पूरा भर चुका है। ये जगह इतनी अच्छी थी, अजीब भी है, अलग भी है, बहुत यूनिक है, इसलिए मैंने सोचा एक बार फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लूँ, नहीं तो मैं सीधा जाने वाला था। 9 किलोमीटर बचा है पांग, एक बार घुमा के दिखा देता हूँ देखो कैसी पहाड़ियाँ हैं। पीछे से आया हूँ मैं, बहुत ही यूनिक लैंडस्केप है यार, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, देख रहे हो। चलो फोन की बैटरी भी लो है। ओह माय गॉड गाइस, हम पहुंच चुके थे पांग, 2-3 घंटे हो गए मेरे को पहुंचे हुए, शाम को मैं पहुंचूंगा 7-7:30 बजे। रास्ता टॉप के बाद ना, लाचुंगला टॉप के बाद रास्ता बहुत ख़राब था, सुनसान था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। और बहुत थक गया हूँ यार, इतनी मेहनत मैंने एक दिन में लाइफ में कभी नहीं की होगी, है ना। अभी मैंने यहाँ कैंप लगा लिया है, सुबह आपको दिखाऊंगा पांग कैसा दिखता है, और कल का रास्ता कल ही देखेंगे। थैंक यू सो मच यार, अभी तक अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच, कमेंट्स कर दो, और क्या ही बोलूँ मैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं अपने आप को पूरा पुश कर पा रहा हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ।